स्टूडेंट वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एसबीबीएस स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मॉरल इंग्लिश मॉरल वैल्यू चैप्टर नंबर 3 बिलीव इन योरसेल्फ। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 3 ऑन पेज नंबर 22 आर ऑफ द डक्स इन द पॉन्ड। तालाब में जितने भी बतख थे स्टार्टेड प्रारंभ कर दिया एट द अगली डकलिंग एंड बिगेन टू लाफ और उसको देखकर हंसने लगे। दी मदर डकलिंग्स सैडली जो घर लिटिल डकलिंग्स ओवर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द पॉन्ड। तो मदर डक जो थी उसने क्या किया अपने बच्चों को ले जाकर उसी तालाब के दूसरे भाग में उनको उन सभी बच्चों को ले जाकर कर दिया जाएगा। दी अदर डकलिंग्स जो अन्य बच्चे थे बट गैगलिंग एंड मेकिंग वन ऑफ द अगली वन उस अगली जो डक था उसका मजाक उड़ा रहे थे। टू नियर बाई डक्स स्वान बाई द पैक एट द अगली डकलिंग्स डिजर्ट और जो अन्य जो दो बतख के बच्चे थे वो उस अगली बतख के पास तैर रहे थे वहां पर वो बार बार उसके पंखों में चोंच मार के हंस रहे थे। दिस वन लुक्स नथिंग लाइक योर अदर्स यह दूसरों के समान दिखाई पड़ता है। वन जस्टिड दिस वन इज अगली यह क्रूर है भद्द आयता अदर स्कॉल अन्य भी उसका मजाक उड़ाने लगे। ना अगली डकलिंग हंग हिज हेड इन सैंड जो भद्दा बतख था उसने अपना सर सैंड मतलब उधर शर्मिंदा शर्मिंदगी उसने अपना सर झुका दिया। दी मदर डकलिंग बिकेम वेरी एम्बैरेस्ड जो मदर डकलिंग थी वो बहुत ही चिंतित हुई और वह अगली डकलिंग अपने भद्दे बतख मतलब बच्चे को देखकर एंड मेड अ मिस्टेक इन द कॉर्नर ऑफ द पॉन्ड और उसको एक तालाब के किनारे पर छोड़ आई। बाय द अदर प्रैक्टिस स्विमिंग जो अन्य जो बच्चे थे वो तालाब में तैर रहे थे डिबिंग डुबकी लगा रहे थे क्विकिंग एंड स्प्लैशिंग मतलब आवाज भी कर रहे थे। वन इवनिंग एक शाम को एज ऑल ऑफ डक्स अन्य सभी बतख के बच्चे इन द पॉन्ड तालाब में हैड गॉन जा चुके थे टू स्लीप सोने के लिए। द अर्ली डकलिंग डिसाइडेड उस भद्दे बतख के बच्चे ने निश्चय किया दैट इट वॉज टाइम फॉर हिम टू लीव यह उसके लिए टाइम है कि इस जगह को छोड़ दे। ही न्यू वह जानता था ही वाज कॉजिंग हिज मदर डिस्ट्रेस वह यह जानता था कि वह अपनी मतलब वह अपनी माता की चिंता का कारण है एंड और ही डिड नॉट वांट टू नहीं चाहता है टू लीव रहना इन ए प्लेस एक स्थान पर देयर जहां पर ही बैड अनवांटेड जहां पर उसको अनावश्यक समझा जाए जहां पर उसकी कोई चाह ही ना हो वह उस जगह नहीं रहना चाहता। सोदा लिटिल अगली डकलिंग रैन अवे इसलिए वह छोटा सा बच्चा वहां से भाग गया। ही वेडर फार फ्रॉम द पॉन्ड वेयर ही वाज बोर्न वह उस जगह पर गया जहां पर वह पैदा हुआ था। ही वेडर थ्रू स्मॉल मार्श प्लांट वह छोटी छोटी मतलब झील के पास पहुंचा छोटे छोटे पौधों में लार्ज रिवर ब्रीड्स और उसके बाद बड़ी नदी के पास। ही वेडर ओवर वंडर्स ऑफ स्टिक्स वह लकड़ी के गट्ठर के ऊपर भी बैठा रहा एंड पाइल्स ऑफ डंग और मतलब गोबर के ऊपर भी बैठा रहा। ऑल थिंग्स वेडलिंग मेड हिम डर्टियर देन एवर वह पहले से और अधिक गंदा हो गया। ही अप्रोच वह पहुंच गया एक न्यू पॉन्ड एक नए तालाब के पास दैट वाज फिल्ड जो भरा हुआ था विद अ फैमिली ऑफ डिफरेंट डक वो अन्य बतखों से भरा हुआ था। दीज डक्स वर हैप्पी स्विमिंग एंड ट्विंकलिंग वो अन्य जो बतखें थी वो प्रसन्नतापूर्वक तैर रही थी और बोल रही थी। ही वेंट टू अ गैप टू बर्ड्स की ओर वन ऑफ द डकलिंग्स एक बतख के बच्चे पास वो लोग जिसने देखा टू बी जस्ट अ बिट लार्जर एंड ओल्डर देन द अगली डकलिंग जो क्रू बतख के बच्चे से बड़ा भी था। हेलो उसने संबोधन किया देयर वेम द अगली डकलिंग टू अदर डकलिंग वह बस बतख के बच्चे को देखने लगा। विद दिस ऐसा देखकर द न्यू फैमिली ऑफ डक्स सभी बच्चे उसको देखने लगे। As this family of ducks began to appear, जैसे ही उन बतखों का परिवार जो था पूरा वो सब आवाज करने लगे लार हंसने लगे एंड द अगली
उस परिवार में जाना चाहता था जो परिवार उसको खुद का संदेह। ओम दक्षिणात्मा करेंगे रीड चैप्टर 3।